दोस्तों, मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आर्यन ऑनलाइन क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है वर्ण विक्षेपण। मैं बार बार आपके बीच फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आता हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में। वर्ण विक्षेपण एग्जाम दृष्टि से बहुत ही जरूरी है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। इससे या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स के कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए वर्ण विक्षेपण, वर्ण का क्या मतलब होता है? वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब रंग, और विक्षेपण मतलब होता है भटकना या टूट जाना, या भटकना या टूट जाना। तो वर्ण विक्षेपण कहाँ होगा? वर्ण विक्षेपण जब प्रकाश की किरणें, सूर्य की जो किरणें होती है, जब वह किसी शीशे वाले, मोटे शीशे वाले सतहों से आगे बढ़ती है, जिस तरह से प्रिज्म एक होता है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म किसको बोलते हैं? प्रिज्म कांच की बनी होती है। किसकी? कांच की। कांच का बना एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दिखाया जाता है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यहाँ पर प्रकाश का बर्तन होता है, इसके वजह से प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। इस तरह से 7 रंगों में, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और होगा 7। देखिए यहाँ पे विभक्त होगी, फिर इस दीवार से जब, यानी सतहों से प्रकाश आगे बढ़ती है तो थोड़ा ये और मुड़ जाती है, क्योंकि यह क्या विरल माध्यम, यह क्या सघन माध्यम, विरल माध्यम सघन माध्यम गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, और सघन माध्यम विरल माध्यम में गया तो अभिलंब से दूर भागा। इस तरह से दूर भाग के इस तरह से ये विभक्त हो जाती है कितने रंगों में? 7 रंगों में। क्या 7 रंगों में? देखिए यहाँ पर प्रिज्म किस तरह से दिखाया जाता है? समबाहु त्रिभुज के आकार का। इसमें 3 आयताकार सतह होते हैं और 2 त्रिभुज के आकार का समबाहु वाला सतह। इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। क्वेश्चन भी ये आता है प्रिज्म का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री के होते हैं। प्रिज्म में कितने आयताकार सतह होते हैं? तो 3। प्रिज्म में कितने त्रिभुज के सतह होते हैं? तो 2। प्रिज्म किसका बना होता है? तो कांच का बना होता है। इस तरह के ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे निकल के बाहर आते हैं। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो कलर है, ये जो श्वेत प्रकाश, ये क्या है? श्वेत प्रकाश। ये क्या है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यहाँ बर्तन हो जाता है प्रकाश का, और बर्तन होने के कारण ये 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है, 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है, जिसमें सबसे नीचे का जो कलर होता है, इसको अगर याद रखें तो एक शब्द से याद रख सकते हैं, हम बोलेंगे अभी, वो शब्द है विजियोर, VIBGYOR, सॉरी मिस्टेक है, VIB होगा यहाँ, क्या होगा? BGYOR। यहाँ चलिए यहाँ लिखते हैं VIBGYOR। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं, इसको कहते हैं क्या? ये पहला लेटर है ना, इसका मतलब होता है बैंगनी कलर, यानी वायलेट, VIOLET वायलेट। ये जो है इसका मतलब क्या होता है? INDIGO इंडिगो, जामुनी। ये क्या है? ब्लू, BLUE ब्लू मतलब नीला। ये क्या है? GREEN ग्रीन। ये क्या है? येल्लो, YELLOW येल्लो। ये क्या है? ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। और ये जो लास्ट है फाइनली, ये क्या है? रेड। चलिए एक बार हिंदी में देखते हैं, ये क्या है? बैंगनी, ये क्या है? जामुनी, ये क्या है? नीला, ये क्या है? हरा, ये क्या है? पीला, ये क्या है? नारंगी, है लाल। चलिए एक बार फिर से, अब इसका हम हिंदी नामकरण देखते हैं। यहाँ हिंदी नामकरण करते हैं, बे जा नी पी ना ला। अब ये क्या लिखा हुआ? बैजानी पिनाला। अरे याद करने के लिए लिखा हुआ है, आपको आसानी होगा इसलिए लिखा हुआ है। बैजानी पिनाला, बै मतलब बैगनी, अजा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, अल्लाह मतलब लाल। तो सबसे नीचे कौन? बैगनी। कौन? बैगनी। सबसे ऊपर केत, लाल, केत लाल, सबसे ऊपर लाल। भटका कम, क्या हुआ? भटका कम। इसका जो ओरिजिनल यानी रियल जो पथ है, रास्ता, वो अन्य, यानी श्वेत प्रकाश उन्ने जाने का मन था बड़ा उन्ने, अब बस वो की हुआ, प्रिज्म घुमाया, टकरा गया, प्रिज्म टकरा करके मुड़ गया, रास्ते भटक गया, भुतला गया, रास्ता भुतला गया। कितना भुतलाया? यहाँ देखिए इतना भुतलाया। तो सबसे कम के भुतलाया? तो लाल, जो सबसे कम भुतलाता है ना, ओकरा ओकर तरंग देर क्या होता है? सब ज्यादे। दो नंबर में कौन है? नारंगी। इसी प्रकार सबसे नीचे में जो है वो कौन है? बैंगनी। सबसे ज्यादा कौन भटका है? बैंगनी। सबसे ज्यादा कौन भटका है? बैंगनी। इसलिए बैंगनी रंग का तरंग देर सबसे कम होगा, जो जितना भटकता है उसका तरंग देर उतना ही कम होता है। क्या होता है? कम होता है। चलिए दो लाइन यहाँ सीखिए, लाल रंग का तरंग देर सबसे अधिक होता है, और जो भटकता है ना, जितना भटकने को विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन। विचलन यानी भटक गया, विचलन यानी भटक गया, विचलन। कितना भटका? कितना भटका? विचलन।
यानी भटकना। कौन भटका सबसे ज्यादा? बैगनी। कौन भटका सबसे कम? लाल। जिसका विचलन जितना अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा। यानी विचलन जो होते हैं तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, विचलन जो होते हैं तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा करके बोलेंगे। चलिए इसको आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं लेकर के वीडियो को। चलिए एक बार फिर से अच्छे से अब हम इसका परिभाषा बोलेंगे 3 से 4 बार। आप उसको कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए और लिखिए उसका परिभाषा। हम बोलते हैं बैजामी पिनाला, और यह कैसे निकल का आया? तो बैगनी जामुनी ये सब जो निकल का आया, यह वर्ण विक्षेपण के कारण। वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण एक होने वाली घटना है। कौन सी घटना है? प्राकृतिक घटना। चलिए अब अच्छे से बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या है? एक प्राकृतिक घटना है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है, और इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। और टूटने के बाद जब सातों रंग किसी दीवार के ऊपर, किसी पर्दे के ऊपर या किसी जमीन पर टकराती है, जहां हमें 7 रंग दिखाई देता है, उस पर्दे को, उस दीवार को, उस जमीन को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। किसको? उस पर्दे को या उस दीवार को जहां पर सातों रंग हमें दिखाई देते हैं। जब हम इस तरह की घटना को परीक्षण करेंगे अपने आंखों से, तो हम देखेंगे कि बैगनी सबसे नीचे है और लाल सबसे ऊपर है। ये यहां पर देखिए ध्यान से, विचलन जो होता है, विचलन क्या होता है? विचलन। और विचलन के बाद तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो विचलन जितना अधिक होगा तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा, विचलन जितना कम होगा तरंग दैर्ध्य उतना ही अधिक होगा। यानी विचलन तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। विचलन क्या है? विचलन यानी वास्तविक जो पथ है, श्वेत प्रकाश का जो वास्तविक पथ है, उस पथ से प्रकाश जितना मुड़ता है। यह घटना को हम लोग पार्श्विक विस्थापन भी कहते हैं, जब इसी श्वेत प्रकाश को किसी आयताकार स्लैब या किसी आयताकार सिली से गुजारा जाता है। तो लेकिन यहाँ प्रिज्म से अगर गुजरा है, इसलिए यहाँ पर विचलन कोण का निर्माण हो रहा है। किसका? कोण का। देखिए यहाँ पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा, सबसे अधिक कोण किसका है? बैंगनी का है। इसलिए सबसे अधिक विचलन किसका है? बैंगनी रंग का है। तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्या है? वर्ण विक्षेपण एक प्राकृतिक घटना है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है, जिस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण का नाम देते हैं। इस तरह का पिक्चर भी ड्रॉ करना होगा साथ ही साथ, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। और साथ ही ये जो ट्रिक अभी बताया गया था, क्या विवजियोर या बैजानी पिनाला, वो अगर याद रखते हैं तो आपको रंगों को याद करने में बहुत आसानी होगी। इस तरह से आज का क्लास यही अंत होता है। वर्ण विक्षेपण उम्मीद है अच्छी तरह से आप सीख गए हैं। आपको अच्छे वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन मेरे वीडियो का अगर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिसके वजह से हम आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे फिजिक्स में वीडियो निरंतर आपके बीच लेते आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।